बारात में हम बैठे थे द्वार पूजा पे सर, और डीजे पे डांस वांस हो रहा था। तो सर हमको जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पता है क्या विवाद हुआ? जिला पंचायत सर जी गए 20 तारीख को, ST/ST मुकदमा जो है दर्ज करा दिए। सर ये मामला मेरा पीलीभीत जनपद का है, लेकिन मैं आपकी न्याय प्रणाली से प्रभावित होकर सीधे यहाँ आ गया। कह रहे हैं तो ठीक है, जो सहयोग होगा मैं करूँगा, मैं प्रधान हूँ, सहयोग के नाम में करूँगा। मेरे पास अभी इस समय नहीं है। 7 मिनट बाद की घटना मेरे साथ हुआ, मेरे खिलाफ बल्कि मुझे रात भर वहाँ थाने में रखा गया। सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, जल्दी हो जाए। क्योंकि सर मुझ पे बहुत दबाव पड़ा रहा है ना, यहाँ वहाँ से फ़ोन करवा रहा, वहाँ से धमकी भी दे रहा है, फिर अगर सुलह समझौता नहीं करोगी तो ये देख लेना तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे मायके पक्ष भी नहीं साथ देता ना मेरे, अब मेरा से कुछ नहीं, मैं बीच में मैं छोटी सी जॉब कर रही हूँ सर, तो मैं क्या करूँ, वो टीचर है गवर्नमेंट। चलिए कराते, ठीक सर, कुछ करवा लिया सर, ठीक। क्या इलाज चल रहा है या किस चीज़ का चल रहा है? शुगर का, और क्या कहते हैं, डिप्रेशन, खर्चा लगा है सर। ठीक सर जी, मैं थाना साहब हमेश अंतर्गत आया हूँ सर जी। अगला आदमी जो है सर जी, हमारे फरवरी में मुझे बहुत मारा था ले जाके, और इस समय हमारे बेहन लगाए थे धान का, उसमें जहर डाल दिए पूरा, जब जर गई वो, और इस समय हमारे खेत हम लोग बेहन लगाए सर जी मांग के किसी से, तो वो भी दवा डाल दिए जर गया। सर मेरा मायका जौनपुर में है और ससुराल आजमगढ़ में, मेरे पति जो है वो रायबरेली में, उनकी पोस्टिंग है। क्या है, कांस्टेबल है रायबरेली में जी सर, तो एक जगह क्यों नहीं कराया आपने? सर कोशिश कर रहे थे पर तो हो जाएगा, वहाँ लखनऊ भेजते ना, लिख के भेजी हुई है एप्लीकेशन, वो पोस्ट किए थे, अनुमति नहीं मिल पाई सर वहाँ जाने के लिए। बताइए सर, सन 2020 में मैं कोतवाली देहात जनपद बांदा में नियुक्त था सर, तो एक गांव में झगड़ा हुआ था सर, मैंने सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके, और एक पक्ष के 7 और एक पक्ष के 8 व्यक्तियों को सर वो किया था, उसी दिन फिर 151 किया क्या सर जी, 151 किया दोनों पक्षों को जी सर। उसी दिन शाम को फिर एक इंद्रा नाम के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के एक लड़के लब्बू नाम के को सर गोली मार दी, उसमें सर मुझे निलंबित कर दिया गया। ये तो कहाँ जाना चाह रहे हो, कोतवाली प्रयागराज में तो है लिखा हुआ आपने सर, एयरपोर्ट सुरक्षा ड्यूटी, उससे क्या होगा, वहाँ काम नहीं करना पड़ता? काम तो करना पड़ता था, टाइम जाएगा इस वजह। और ये कोतवाली में यहाँ यहाँ नहीं मिलता आपको टाइम? ये तो आप फील्ड में हो या ऑफिस का काम देखते हो? फील्ड में, ऑफिस का। बताइए क्या हुआ साहब, हम पुरानी आबादी, हमारे बाप दादाओं का बैपर कच्चा मकान हन गिर गया था, अब वो पर हम नया निर्माण करें, 11 फुट दीवारों के है साहब, और लिंटर दौड़ा है उनका लादा नहीं देता अभी पक्षी पार्टी, थाने में गए साहब 2-3 बार दौड़ा है, कहें आज काम हो जाए, कल लगाना ये बुलावत है, कौन एक महीना परेशान करें साहब, सुनवाई हमारी नहीं होती है, चौकी में यही बात कहता है, सुनवाई नहीं होती है हमारी। उसके बाद सर हम 112 नंबर फ़ोन किए, पुलिस आई, उन्होंने कहा तत्काल जाओ थाने पर, वहाँ मैंने जो है रिपोर्ट दिया सर, वहाँ दिया तो कोतवाल साहब ने ठीक है आप बैठिए, मैं अभी विपक्ष को बुला रहा हूँ सर, बुलाया नहीं 4-5 घंटा रात को 9 बजे तक मुझे बैठाया नहीं सर, मोरे भाई आने के लिए गया अभी। क्या हुआ बताओ सर, काम करेगा रहे ठेकेदार, पैसा नहीं, मतलब मालिक पैसा नहीं दे रहा, फिर उनके बाद आज कल लगाए रहे कि कल दे परसों दे, 15-20 दिन से काम कर रहे, पैसा नहीं दे रहे। बताइए सर, मैंने पुश्तैनी ज़मीन मिली मुझे मुआयमा में, अभिलेख कायद है सर, और जिसकी वजह से हमारे दादा के नाम से ज़मीन तो दर्ज है, लेकिन हम लोगों आगे का नाम सर चढ़ नहीं पाया है, और पुराना कागज़ 1359 निकाल निकाल के सर
बेचे डाल रहे हैं और इस पर हमने उसमें मार्किंग कर दिया है। बताइए सर, स्टडी करते हैं सर और तैयारी कर रहे हैं सर, आर्मी की दो भर्ती भी देखे हैं पुलिस की भी। अच्छा, तो सर 11 तारीख को बारात गई थी हमारे बड़े भाई की, तो सर पास के ही हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं राके, तो सर उनके भी परिवार में न्योता दिए से, गांव एक ही है सर, बीच में नार चली गई है, 80 लोग इस तरफ हैं, हम लोग इस तरफ हैं, तो इनको इन्वाइट किए, इनका भतीजा भी गया था सर, तो बारात में अपने बड़े भाई की शादी में सर हम ही सारा काम देख रहे थे, क्योंकि हमारे पिताजी सर कृषि कार्य करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं हैं। तो बारात में हम बैठे थे द्वार पूजा पे सर, और डीजे पे डांस वांस हो रहा था, तो सर हमको जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पता है क्या विवाद हुआ, जिला पंचायत सर जी गए 20 तारीख को, ST ST मुकदमा जो है दर्ज करा दिए सर। अब हमको जानकारी नहीं है सर, फर्स्ट टाइम आए हैं सर, CEO साहब के पास भी गए थे, बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन सर सुनवाई नहीं है। फिर सर हम यूट्यूब पे वीडियो देखे आपका सर, फिर नंबर इसको निकाले, नहीं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं हुआ आपस में सर? वहाँ क्या हुआ, हम नहीं थे सर, हम द्वार पूजा पर बैठे थे और मोहम्मद सर थोड़ी दूर था, तो जिनके नाम लिखाए थे वो थे झगड़े में, नहीं थे, उन्होंने नहीं बताया कि क्या हुआ? हमें नहीं बताया था, CEO साहब अभी 10 दिन पहले जाँच करने गए थे, वहाँ सब बताया कि सिर्फ वहाँ सुई थी और उनको वहाँ से हटा दिया गया था सर, बाकी सर वहाँ कुछ नहीं हुआ था। और फोटो भी है सर, अभी जो है मेडिकल करा के एक मिनट दिखा रहे हैं सर, उसमें गंभीर चोट जो है दिखाए हैं ये। मुकदमा क्या यहाँ हमारे आदेश से लिखा गया है? नहीं सर, वहीं से सीधे लिखा है थाने ने? थाने ने लिखा है सर। सर ये कोई चोट नहीं है इसमें, इसमें ये सर ये FIR कापी है सर, इसमें लिखे हैं कि डीजे के पीछे ले जा करके लाठी डंडे से मारे हैं। चलिए ठीक है सर, हम स्टडी कर रहे हैं सर, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा सर। सही होगी जाँच, इसमें आप चिंता ना करें। बहुत आस लेके आए हैं सर आपके पास, बता देंगे उनको, उनसे मिलिए CEO साहब से, जो सही होगा वही होगा। कौन सी CEO कर रहे हैं आप? सदर सिंह हैं, उनसे ही मिली, ये लिखे हुए निष्पक्ष विश्लेषण के लिए। ठीक है, भाई बैठिए, बताइए, बताओ सर। ये मामला मेरा पीलीभीत जनपद का है, लेकिन मैं आपकी न्याय प्रणाली से प्रभावित होके सीधे यहाँ आ गया। नहीं तो ये तो वहीं देखेंगे भाई जी सर, मुझे ये नहीं मालूम था सर, यह जोन वाइज है। हाँ तो जोन वाइज ही होता ना, ही रुक जाता उपाध्याय, वो मेरे 200 किलोमीटर है, ये 550 किलोमीटर में चल के आ गया, तो मैं नहीं, तो आपका तो जिला पीलीभीत लगता बरेली में, नहीं नहीं लखनऊ भी नहीं लगता, बरेली जोन में बैठते हैं, राजकुमार हैं वो सुनते हैं आपकी बात। क्या हुआ क्या आपका यहाँ? सर मैं कई बार SP साहब से मिल चुका हूँ, क्राइम ब्रांच को 2 बार बोल दिया है, एक बार एक हफ्ते में, दूसरी बार कहा कि 3 दिन में आप रिपोर्ट दें, लेकिन सर क्राइम ब्रांच वालों ने अभी तक उसको नज़रअंदाज कर रखा है। भेज दें उनसे मिलना, ADG साहब से, वहाँ राजकुमार जी से, ठीक है, वहाँ बैठते हैं, जहाँ SSP ऑफिस है उसी के बगल में उनका ऑफिस, बरेली, उनसे मिलिएगा, वो देख लेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ उनको, ठीक है, चला जाएगा यहाँ से। आप खुद ले जाएंगे यार? मैं लिए जाऊँगा सर। पीलीभीत में है ना ये आपका लिखा गया है? मैंने सर आपको देखता तो मैंने कहा सीधा वो हम अपने जोन का देखते हैं, वो मुझे क्या नहीं था वो हम, इसलिए यदि सर संभव हो तो इसमें सर आप सिर्फ फोन कर देंगे पीलीभीत को, तो सर आप चले जाइए, बता देंगे, आप पहुंच जाइए, ठीक है, वहाँ पहुंच जाइए, बात होती रहती है हमारी, बता देंगे कि एक आदमी इस तरह का, बैठिए बताइए जी सर। थाना महवागढ़, ग्राम पंचायत अड़ावली, ग्राम प्रधान से। थाना महवागढ़ सर। क्या हुआ जी? मनरेगा के तहत में काम करा रहा था, उसी विवाद में मुझे मारा पीटा गया, और थाना उस समय चौकी चाहवा था, उनको फ़ोन भी किया गया है, वही रिपोर्ट गलत भी लगाएं और
सात मिनट घटना के पहले मुझसे पैसा मांग रहे थे। किसने मांगा पैसा? सिपाही। किस बात का? हाँ, मिलिट्री फोर्स आ रही है, कुछ खाना पीना का इंतजाम कर रहा है। मिलिट्री फोर्स आ रही है जी? 25-2 की घटना है सर। तो मैंने कहा ठीक है, जो मेरे तरफ से व्यवस्था होता आदेश होता उतना कर दूंगा। कह रहे हैं तो ठीक है, जो सहयोग होगा मैं करूंगा, मैं प्रधान हूँ, सहयोग के नाम में करूँगा। मेरे पास अभी इस समय नहीं है। सात मिनट बाद की घटना मेरे साथ हुआ, मेरे खिलाफ बल्कि मुझे रात भर वहाँ थाने में रखा गया। थाना इंचार्ज उस समय ना गए, उन्होंने भी मतलब गाली गलौज करके अंदर मुझे दिए, रात भर रखे थे। फिर 28 तारीख से 3 तारीख तक सर मेडिकल में। ये सीओ साहब ने जांच की होगी, सिरातून है। क्या आया इसमें जांच में? जांच में स्पष्ट है, विपक्षी गण द्वारा गमछे से आवेदक का गला कराने का प्रयास किया, काटने का क्या लिखा, कसने का प्रयास किया गया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी गण द्वारा एक राय व उत्तेजित होकर आवेदक की हत्या करने का प्रयास न किया गया हो, किंतु आवेदक के जेब से इतने रुपए, गले में घड़ी, सोने की चेन छीन लेने और पुष्टि जांच के मध्य नहीं हो पाई है। ये किसने ये चेन वगैरह छीनने का, 5,000 रुपये चले गए, किसके गए थे? ये सर मेरा था। आपके थे जी, मैं ही प्रधान। तो ये तो लिख रहे हैं कि इसमें गलत है ये सब बात। ठीक है सर, जो वो मौके में नहीं पाए, जो गांव वाले थे वीडियो, वहाँ से पूछताछ की है। जो गमछा से कसा गया सर वो तो माना जा, पर ये है सर जो बार बार मैं एसपी साहब को देता हूँ, वहाँ पे थाना इंचार्ज बार बार रिपोर्ट वही पुरानी लगा भेज देते हैं, लगा देते हैं इसमें। ये सर गमछा से कसने का चिन्ह है सर, ये गले में जो ये किस चीज़ का, ये वाली चोट कैसी है? ये वही मारे पीटे थे, ये गमछा से कसी 28 घंटे के बाद का चिन्ह है सर। बाजार में उसकी वीडियो भी बनाए हैं गाँव वालों ने, उसकी वीडियो बनी है जी, पिन ड्राइव में सीओ साहब को दिए गए थे। इनको सीओ सिराथ को दिया था जी? जी, पिन ड्राइव में दिए गए। ये है कौन, दूसरे लोग जो हैं जी? ये आपके आसपास के ही हैं सब जी? ये मुझसे दूर है, मैं तालाब में काम लगा रखा था, मैं शाम को निकल रहा था। तो बचा है उसी गांव के आपके जी, वोटर हैं ये जी? गांव के लोग हैं, शाम का वक्त था, उसी बीच बाजार में घेर लिया गया था, करीब 200 लोग थे वहां बाजार पे, कोई छुटाने की हिम्मत नहीं कर रहा, उनके करीब 90 घर ऐसे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। पर जब मुझे जान से कसने का पूरा जीव निकल आई, तब जाके छुटाए कुछ लोग और भगाने में मदद की। यहाँ एक ठाकुर साहब के घर में मैं घुस गया, लेडीज कमरा, वहाँ तक मुझे खदेड़ ले गए, इसकी पूरी वीडियो बनाए। आज क्या पीआरडी में काम करता जी? ये पीआरडी में थाने पे रहता है जी। जी मैं जब वहाँ गया तो इसके पहले से वहाँ इसको बैठा के एप्लीकेशन लिखाया जा रहा था, फिर जब मुझसे इसने भी लिखाया आपके खिलाफ मुकदमा जी? वही थाने में लिखा, मुझे रात भर वहाँ ला कर में रखे थे। इन्होंने भी लिखाया आपके खिलाफ कोई FIR? जी जी, यही 116 की है। पक्षी गण उनको सुबह लेकर आए थे सर, कराते हैं इसमें FIR। इसमें एक टीम जाएगी वहीं से SP साहब के यहाँ से जी? जी सर। ठीक है, ना हो तो 15 दिन बाद यहाँ आना। ठीक सर, बताइए सर। 2017 में फेसबुक जरिए जिसने आपसे शादी के लिए वो कहने लगे, दबाव बनाता रहा, ये आपकी FIR हो गई जी सर? उसके बाद इस FIR में क्या हुआ, आपके मेडिकल हुआ, बयान हुए कोर्ट में? 164 के बयान नहीं हुए थे, हो गए। इसके बाद इन्होंने शादी, जेल जाने वाला था तो इन्होंने 8 समाज से शादी कर ली। आपसे शादी कर ली फिर? ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने शादी कर ली तब मैंने कहा मुझे रख लो, कुछ दिन बाद इन्होंने, मम्मी पापा मेरे पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे हलफनामा ले लिया, साइन होकर उन्होंने मुझसे भी, इसके बाद कह रहे थे कि हम ले जाएंगे, आज तक वो मुझे लेने नहीं आए। शादी हो गई अब आपकी जी सर? और 8 समस्या हुई थी सर, शादी के लिए इलाहाबाद से सर।
इसमें सर ये सर जमानत जमानत का बहुत विरोध किया गया सभी हिंदुओं ने। प्रकीर्ण बात ये आपने सीजेएम के यहाँ ये बात चला है ये 110/2019 प्रोटेस्ट याचिका आपने डाली थी प्रोटेस्ट में, क्या हुआ इस प्रोटेस्ट में अब सर इसमें ये पूरा कंप्लीट होगा। अन्य गवाहान वादी या मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है किंतु विवेचक ने विवेचना से अपराध का होना नहीं पाया है, इसके विपरीत वादी या मुकदमा की ओर से अपनी आपत्ति में शपथ पत्र दाखिल करते हुए अभियोजन कहानी का पूर्णतया समर्थन किया गया है एवं अंतिम आख्या निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। ऐसी स्थिति में वादिया मुकदमा के कथनों में बल प्रतीत होता है, निरस्त करते हुए मामले में अंतिम न्यायोचित प्रतीत होता है, अग्रिम विवेचना कराया जाना। तो इसमें हो रही है अग्रिम विवेचना कोई कर रहा है और मुजरिम के विरुद्ध सर ये जमानत का घोर विरोध भी न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल डाला था सर, उसमें विरोध ये जमानत आख्या भी थाने से आ गई। अब सर मुलजिम को सर गिरफ्तार नहीं कर रहा है सर, ये समझ नहीं आ रहा। कई बार गया भी साहब लड़की को लेकर मस्जिद बयान हो गई, माता पिता को मस्जिद बयान हो गया, इसके बावजूद नहीं गिरफ्तार करा। कभी चार्ज सीओ साहब के यहाँ पेश कराया तो सीओ साहब ने कहा था दो तीन दिन के बाद हम गिरफ्तार करवा लेंगे, आज भी नहीं गिरफ्तार किया, नहीं गिरफ्तार हो रहा। विवेचना भी कम्प्लीट है, जमानत का भी बहुत विरोध किया गया है, सारी चीज़ है उसमें, हर चीज़ दर्शाया हर बिंदु पर। ये विवेचक देख लेना कौन है, उसे बता दो इसको जल्दी करें। ये सर देखिए नरेंद्र प्रताप सर ये पूरा दिए है इसने, इसको थोड़ा सा लगवा दें। ये पूरी सर इसमें पूरा उन्होंने किया है। ठीक है, इसने इसमें तो विरोध ही किया, इसमें क्या दिक्कत है सर? गिरफ्तार नहीं गिरफ्तार, हाँ तो करेगा गिरफ्तार भी करेगा, बचेगा कैसे जब एंटीसिपेटरी भी नहीं मिली कुछ नहीं मिला तो करेगा। सर मेरी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, जल्दी होगा क्योंकि सर मुझ पर बहुत दबाव पड़ा रहा है ना, यहाँ वहाँ से फ़ोन करवा रहा, वहाँ से धमकी भी दे रहा है, अगर सुना समझौता नहीं करोगे तो ये देख लेना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे मायके पच भी नहीं साथ देता ना मेरे, अब मेरा सब कुछ नहीं, मैं बीच में मैं छोटी सी जॉब कर रही हूँ सर, तो मैं क्या करूँ, वो टीचर है गवर्नमेंट। चलिए कराते ठीक, मुझे बयान भी सर सब कुछ करवा लिया सर, माता पिता के मुझे बयान हो जाएगा ठीक करा बताइए बैठ। बताइए क्या हुआ सर? हमें शुगर और डिप्रेशन की बीमारी है तो पोस्टिंग है सर, शाम जिसे आना चाहे तो साधन नहीं मिलता है, और यहाँ प्रयागराज में और रायबरेली में मेरा इलाज चल रहा है सर। आप रह तो चुके हैं 12 साल इलाहाबाद में, और कितना रहोगे यहाँ? जी सर 12 साल रह चुके यहाँ पर प्रयागराज में जी, और कितना लंबा रहोगे यहाँ? नहीं सर संबद्धता के लिए एयरपोर्ट। चलिए देख ठीक, क्या इलाज चल रहा है यहाँ, किस चीज़ का चल रहा है? शुगर का और क्या कहते हैं डिप्रेशन और क्या लगा है सर? ठीक सर जी, थाना साहब में अंतर्गत आया हूँ सर जी, अगला आदमी जो है सर जी हमारे फरवरी में मुझे बहुत मारा था ले जाके, और इस समय हमारे बेहन लगाए थे धान का, उसमें जहर डाल दिए पूरा जबर जल गई वो, और इस समय हमारे खेत हम लोग बेहन लगाए सर जी मांग के किसी से, तो वो भी दवा डाल दिए जल गया था, फिर एक बोले मारे थे प्रेजेंट टाइम, इसमें हमारे धान को लगाए और अभी धमकी चमकी देते हैं। गए थाने गए? हाँ थाने गए सर। क्या हुआ? थाने वाले भगा देते हैं, बोलते हैं ऊपरी दबाव है। हाँ किस चीज़ का दबाव है? बोलते हैं ऊपरी दबाव है सर जी, अगर इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल है। कहाँ पर है कांस्टेबल? यहीं सर लाइन लाइन में चलता है। हाँ सर
सही ढंग की जैसे हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, इसमें पूरा खेत जला दिया था, खाने के लिए हम खा हो गए। ठीक है, कराते हैं। पहले भी दिए हैं या कोई एप्लीकेशन आपने हमारे यहाँ? हाँ सर, आप क्या नहीं दिए थे सर जी, आपने तीन तीन बार क्या हुआ वहाँ पर पूछा वहाँ हाँ तक भाई यार नहीं लिखा गया सर। ठीक है, ना हो तो आप 15 दिन बाद आना यार। ठीक है, 15 दिन बाद क्या हुआ? सर मेरा मायका जोधपुर में है और ससुराल आजमगढ़ में। मेरे पति जो है वो रायबरेली में, उनकी पोस्टिंग है। क्या है, कांस्टेबल है रायबरेली में? जी सर। तो एक जगह क्यों नहीं कराया आपने? सर कोशिश कर रहे थे पर तो हो जाएगा। वहाँ लखनऊ भेजते ना, लिख के भेजी हुई है एप्लीकेशन? पोस्ट किए थे, अनुमति नहीं मिल पाई सर वहाँ जाने के लिए, और सास ससुर हमारे बीमार। ये तो अपने SP को दे देते, वो तो दोनों का एक साथ चला जाता है। सर बीमार चल रहे हैं, वो हमारे लेके आए थे, उन्हें इलाज करवाया। सर दूरी बहुत ज़्यादा है इसलिए बड़ी समस्या होती है। नहीं तो आप जाना कहाँ चाह रहे हैं? फतेहपुर? फतेहपुर तो फतेहपुर से कैसे समस्या हल हो जाएगी सर? वहाँ से काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, घर मेरा सुल्तानपुर के बॉर्डर की तरफ आ जाता है ना सर, तो वहाँ से नज़दीक हो जाएगा सर, घर और परिवार संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। दोनों एक जगह क्यों नहीं करा रहे? वहाँ क्यों नहीं भेज रहे एप्लीकेशन अपनी लखनऊ? या नहीं कराना चाह रहे एक जगह? नहीं करवाना है सर, अनुमति भी नहीं हो पा रही है ना, वहाँ चले जाएंगे अभी आसान हो जाएगा हमारे। तो दोनों की एप्लीकेशन देते ना एक साथ? चलिए ठीक है, करते हैं। पर बताइए। सर 2020 में मैं कोतवाली देहात जनपद बांदा में नियुक्त था सर। तो एक गाँव में झगड़ा हुआ था सर, मैंने सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके और एक पक्ष के 7 और एक पक्ष के 8 व्यक्तियों को सर्व किया था, एक सौ ATM सर किया। उसी दिन फिर 151 किया क्या सर? जी सर 151 किया दोनों पक्षों को। जी सर। उसी दिन शाम को फिर एक इंदिरा नाम के व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के एक लड़के लब्बू नाम के को सर गोली मार दी, उसमें सर मुझे निलंबित कर दिया गया था। वो पत्रावली फिर बाद में दंडित कर दिया गया सर, पत्रावली सर इस समय नहीं है सर। ये तो गलत क्या किया, सही तो किया है वो। उस समय तो हमारे गांव में भी हुआ है, आपको जानकारी में मिल गई विवाद की, उसके बाद भी हो भी आए तब भी गोली चल गई वहाँ? अधिकारियों के सर सब कुछ निर्देशन पर ही किया था मैंने, कोई ऐसा वो नहीं किया था। जितना काम मतलब जैसा आदेश था सर मैंने पूरा प्रयास किया था। ये तो जांच अधिकारी ने भी आपको माफ़ नहीं किया, ना SP ने किया, अपील भी गई होगी, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा आपको? जी सर। क्या है ऐसा, क्या कारण है जिससे छोड़ दूँगा आपको सर? बताइए। मुझ पर यह आरोप लगाया गया था सर कि CEO सर के निर्देश हुए थे सर कि इनको जेल भिजवाना है दोनों को। मैं सर SDM सर तक गया था, मैंने रिक्वेस्ट भी वहाँ की थी कि 14 दिन का रिमांड बना दिया जाए, लेकिन सर दोनों पक्षों के वकील खड़े थे तो उसी में उनको जमानत दे दी गई। वो ये है रिपोर्ट जो दी, उसकी कॉपी वगैरह लगाई है? जी सर लगी है, पत्रावली में लगी है सर। ठीक, चलो ठीक है, देखें सर। इसके कहाँ से कर रहे हो ग्रेजुएशन? कहाँ से? अभी कहाँ, कोतवाली में है? हाँ। ये तो कहाँ जाना चाह रहे हो? कोतवाली प्रयागराज में तो है लिखा हुआ आपने। उससे क्या होगा, वहाँ काम नहीं करना पड़ता? और ये कोतवाली में यहाँ नहीं मिलता आपको टाइम? सर मिलता तो ठीक से नहीं है, फील्ड भी वो करते हैं ना, तो उसमें सुबह शाम कोई भी टाइम हो सकता है। ये तो आप फील्ड में हो या ऑफिस का काम देखते हो? फील्ड में सर, ऑफिस का। ठीक है, देखते हैं। आपने एक ही लिखा बस एयरपोर्ट सुरक्षा, और कोई चॉइस है और कहीं? सर मैं पास में यहीं रहती हूँ, उस वजह से नज़दीक है।
अच्छा, नहीं तो धूमनगंज थाने में कर दें, बताइए। जब धूमनगंज में रहते हो मान लिया वहीं थाने में हो जाए, नहीं तो वहाँ ऑफिस में अगर लग जाओगी तो नहीं कर पाओगी। ठीक है, ठीक बताइए क्या हुआ साहब। हम पुरानी आबादी, हमारे बाप दादाओं का बैपरन अच्छा मकान हट गिर जाता है, अब वो पर हम नया निर्माण करें, 11 फुट दीवारों के है साहब, और लिंटर जो है हमका लादा नहीं देता है विपक्षी पार्टी। थाने में गए साहब 2-3 बार, जो है कहें आज काम हो जाए, कल लगाना ये बुलावत है, कौन हम 1 महीना परेशान करें साहब, सुनवाई हमार नहीं होती है, चौकी पर यही बात कहता है, सुनवाई नहीं होती है हमारे। पानी पूरी साहब साँप उप आवत है साहब, सोने दिन पन्नी में ही साहब काट सका थी। कोर्ट में भी चल रहा है कहीं मामला? कोर्ट साहब चला था तो उनके जो नंबरी है, नंबरी नहीं आबादी में साहब, उनके नंबरी कागज उम्र सब लाग है साहब। पहले कह रहे जो नया DM साहब के आदेश करा के लेखपाल जो नया के पूरा और तहसीलदार और सब पूरा मुआयना कर पूरा करें कागज। हम 88 नंबर आबादी में साहब, उनके धूमधरी जहाँ हमारे वोट हो पा रहा है उसे उन साहब हमसे कोई मतलब नहीं है। पहले भी दिए हैं एप्लीकेशन को हमारे यहाँ? पहली बार आए साहब, पहली बार। आप थानेदार कर लीजिए साहब, जो देख के जो न्याय उचित हो वह कह दें हमका कौन। ठीक है, करेंगे। ये थाना दिवस पर लगा दो, इसको नंबर दे दो शनिवार के लिए, शनिवार को होगा ये काम। बैठो बताइए। दुर्घटना 27 तारीख को सुबह 6 बजे की आबादी में सर हवा से साफ कर रहे थे घास, उसके बाद पड़ोसी गांव के साथ में आए सर, कहे साले हमारी आबादी है उसमें क्या कर रहे हैं, मनक मना हमारे कहा गाली बात सर, उसी को हम लोगों के मारने लगे थे, मैं चिल्लाए जो है, उसके बाद जो गांव के लोग आए जो है तब तक के भाग गए साहब जो है, उसके बाद सर हम 112 नंबर फ़ोन किए, पुलिस आई, उन्होंने कहा तत्काल जाओ थाने पर, वहाँ मैंने जो है रिपोर्ट दिया सर, वहाँ दिया तो कुतवाल साहब ने ठीक है आप बैठिए, मैं अभी विपक्ष को बुला रहा हूँ, उसे बुलाया नहीं 4-5 घंटा रात को 9 बजे तक मुझे बैठाया नहीं सर, मोरे भाई यार नहीं लिखा गया, अभी वो सब कर्तव्य घंटे मारने धमकी दे रहे हैं। कहीं साहब ने अगर तो वहाँ कप्तान साहब से नहीं मिले प्रतापगढ़ में, SP प्रतापगढ़ है, मुझे दरख्वास्त दिए थे सर वहाँ, क्या हुआ उसे उसमें सुनवाई हुई सर, तब मैं सर आपके पास आया हूँ बाहर लगाने सर, मेरी जान माल की रक्षा के लिए सर FIR दर्ज किया है। FIR के लिए क्या हुआ बताओ सर, काम करेगा ठेकेदार पैसा नहीं, मतलब मालिक पैसा नहीं दे रहा, फिर उसके बाद आज कल लगाए रहे कि कल दे परसों दे, 15-20 दिन से काम कर रहे पैसा नहीं दे रहे। तो ये वहाँ लेके थाना समाधान दिवस में या तहसील दिवस में नहीं गए इसको लेकर? क्या कह रहे हैं? कोई सुनाई नहीं, बैठी है बाहर चल के बैठो, बाहर बैठी रहे, फिर गए तो कहें जाओ घर, 2-3 दिन गए लगातार। पैसा मांगत रहे मालिक से, बातचीत भाई हुई जान से मार दी, छोटे बच्चन लेके का करे, कराते हैं कराएंगे शनिवार को कराएंगे ये काम, इनको नंबर दे दो, इस नंबर पे फ़ोन कर लेना जो आपको नंबर दे रहे हैं, शनिवार को थाने जाना। बताइए सर, मेरे पुश्तैनी ज़मीन मिली मुझे मुआयमा में अभिलेख कहे थे सर, और जिसकी वजह से हमारे दादा के नाम से ज़मीन तो दर्ज है लेकिन हम लोगों आगे का नाम सर चढ़ नहीं पाया है, और पुराना कागज़ 1359 निकाल के सर बेचे डाल रहे हैं, और इस पर हमने उसमें मार्किंग कर दिया है, उसमें लेखपाल सत्यापित भी कर रहे हैं और मिटा हुआ है सर, साफ सुथरा दिख रहा है, उस पर मैं हाईलाइनर मार रहा हूँ, नीचे लेखपाल की रिपोर्ट है सर। अभी कब्जा तो नहीं हुआ ज़मीन पर उस पर? नहीं सर,
दूसरा ये कागजों में हेरा फेरी जो की है, क्या इसमें फर्जी कागजात बनाए गए हैं? जी जी सर, उसमें लगा है, देखिए ये ओरिजिनल है। नहीं, ये तो मेरे दादा का चकबंदी वाला आदेश है, ये खत्म नहीं है। आपकी लेटेस्ट खतौनी में क्या है जो कंप्यूटराइज्ड है? जो लेटेस्ट नहीं निकलेगा मुआयमा तहसील, मैं सुनाओ तहसील में सर, मुआयमा कस्बे का सारा अभिलेख गायब है, कुछ नहीं मिलता, न दाखिल खारिज भी नहीं होती, सिर्फ बैनामा करा के पड़े रहो लेके कब्जे के आधार पर सब रहते हैं। पचासों साल से सर हमारी खेती उस पर होती रही है। ये खेती की जमीन के भी नहीं हो रहा? जी खेती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे भूले को कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिए? जी सर, ये जमीन तीन मरतों अब तक बीत चुकी है, जब से 2000। इसके लिए कह रहा मैं, पूरी जमीन की आप कह रहे हो ये हैंड रिटन है, ये सारे पुराने जो जी, अब तो सारे कंप्यूटराइज आ रही है, भूले कुछ ऐप है, कस्बे का नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये हस्तलिपि ही है। तो वहाँ डीएम साहब को नहीं बताई ये बात आपने? एसडीएम साहब को, एसडीएम डीएम सब जगह दे चुका सर, सब भूमाफिया लोगों के प्रभाव में काम हो रहा है सर। ये तीन मरतबा देखिए बिक चुकी है, एक ही जमीन तीन तीन मरतबा है दो साल के अंदर। एक एफआईआर सर सीओ मैडम, तब एक एफआईआर हमारी तरफ से दर्ज हुई है, इसकी विवेचना अभी चल रही है। और सर ये दो तीन मुकदमे हमने दाखिल किए, एक सूट है। इस विवेचना का क्या हुआ जो मैडम ने लिखाया? अभी विवेचना चल रही है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो आ जाएगी इसमें? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, दो साल हो गया, 21 में हुई है वैसे ही पड़ी। और वादी मुकदमा हमारे भाई हैं, हम इसमें जाके कोई बात करते हैं, हमसे बात भी नहीं करते, सुराव में विवेचना हो रही, हमको भगा दिए वहाँ से। एक एफआईआर के बाद दूसरी एफआईआर, एफआईआर का आपने लिखा ही नहीं एप्लीकेशन में? जी आपको लिखना चाहिए था ना इसमें कि एक एफआईआर हो गई सर, उसमें अपनी क्लाइंट मेरा बड़ा भाई है। तो दूसरी लिख के इसको डरा दिए, ये सिलेंडर हो गया, ये जाते ही नहीं, मेरा भाई वहाँ नहीं जाता। हाँ, तो जब वो इंटरेस्ट नहीं लेगा वादी तो फिर क्या होगा? सो कुछ भी नहीं होगा सर, उसको डराया गया है। शनिवार को जाना, इनको नंबर भी चाहिए सर। एफआईआर करा के अगर जाँच करवाइए, ये हाँ चार पाँच मिनट तो जाँच भी हुई है सर, ये सारी रिपोर्ट हम। चलिए आप शनिवार को जाइए, पहले जब यहाँ रिपोर्ट आ जाएगी तब देखूँगा मैं।